अगर हाथरस की बेटी को न्याय मिल सकता है तो आराधना प्रजापति को क्यों नहीं? मौत मिले तो उसको फांसी सजा होना चाहिए। और कहते हैं जैसे हमारी लड़की चली गई वो भी चला जा। दोस्तों ये आजमगढ़ है, आप जानते हैं कि कुछ दिनों से श्रद्धा और आफताब जैसी बड़ी लव स्टोरी आपको सोशल मीडिया पे चर्चित होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा या आफताब नहीं बल्कि इस मामले में प्रिंस और आराधना की भी कहानी कहीं न कहीं बहुत चर्चित होती हुई दिखाई देगी। आपने सुना होगा कि श्रद्धा के कितने टुकड़े किए गए थे, लेकिन आज आजमगढ़ भी रो जाता है, आजमगढ़ के लोगों की रूह कांप जाती है। तो आजमगढ़ की बात तो छोड़िए, हमारी भी रूह कांप जाती है जब आराधना के बारे में सुनते हैं। तो आराधना के बारे में सुना गया, बताया गया और ये भी कहा जाता है कि ये लोग कह रहे थे कि छः छः भागों में आराधना को भी काट दिया गया। कौन काटा हम बताएंगे, उसकी कहानी क्यों कटा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज ये लोग जो भागीदारी पार्टी के लोग हैं क्यों इस डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में उपस्थित हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं उस परिवार में आखिर जो आराधना की लव स्टोरी क्या थी, आखिर ये लोग उनके लिए क्यों इतना परेशान है। क्या नाम है आपका? सुनील प्रजापति। सुनील प्रजापति, ये जो घटना घटी है आपके अहरौला में, यानी आराधना के आप भाई हैं, हाँ, क्या हुआ था सुनील जी, कुछ पता है आपको? बताइए उसके बारे में। पता हमें इतना है कि जैसे हमारी बहन को उनकी बहन फ़ोन की कि भैरवनाथ दर्शन करने चलना है, भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, तो वो तैयार हो गई जाने के लिए। तो उसके बाद वो 9 तारीख को यहाँ से निकली 12 बजे। किसकी बहन फ़ोन की थी? उनकी बहन, प्रिंस की बहन फ़ोन की थी इनके पास, तो सहेली थी, संबंध था उनसे, तो बात कर रही। तो उसके बाद ये बोली ठीक है हम भी चलेंगे, तो ये गई साथ में। पुल हमारे यहाँ एक पुल पड़ता है वहाँ पे, वहाँ से वो उनका भाई था, बोले कि भाई हमारे जाएगा वो बैठा के ले आएगा तुम्हें, तो लेके गया और वो घर गया कि ना गया ये तो ना पता, और साथ में लेके गया था। हाँ, फिर इसके बाद क्या पता चलता है कि जब आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इस बहन के इतने टुकड़े कर दिए गए? तो वो लेके गया है, वही किया होगा ऐसा हत्या, और कौन कर सकता है जब उसके साथ में ही थी, तो फिर कौन करेगा? अभी खुलासे पता चला आपको कि ये शरीर इसका यही बहन की? वो जो पहनी थी अपने हाथ में काला रच्छा और काला रे, हाथ में कंगन और पैर में काला धागा, इस वजह से पहचान में आ गया। हाँ, और उस लड़के ने कबूल भी कर लिया? कबूल भी कर लिया, हमने यही किया। तो आज जिस तरह से धरना की बात कर रहे हैं आप लोग, देखें एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है बाबू जी, तो आप भी इसमें शामिल हैं, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं जैसे हमारी लड़की चली गई वो भी चला गया। अच्छा, हम यही चाहते हैं। तो वो तो जेल में है ना, कहीं भी रहा है, हाँ वो भी चला जा। चलिए ये तो परिवार के लोग हैं, अब हम जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। सर थोड़ा सा आप बता दीजिए इसके इस मामले में क्या हुआ था और क्या कैसे हुआ था ये? देखिए मैं आज 2-3 दिन से इस मामले को वॉच कर रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। थोड़ा सा दुख है बहुत ज़्यादा, ये लोग पूरी बात को ओपन में नहीं बोल पा रहे हैं। सच्चाई ये है कि उस शख्स ने घटना को अंजाम दिया है, और मैं यहाँ पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में और पूरी मजबूती के साथ उन्होंने जिस तरह से मामले को टैकल किया और उसको पकड़ा और वो उसके ऊपर फायरिंग भी किया उन्होंने। इस तरह के मुजरिम को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनको मिनिमम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। रहने के लिए घर नहीं है तो कम से कम सरकार जो है कॉलोनियाँ बनवा रही है, तो कम से कम इस तरह के जो दुखी लोग हैं उनको रहने की व्यवस्था कराए। और ये बात मैं सिर्फ प्रजापति के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की जो घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं पूरे देश और प्रदेश में, अभी आपने देखा श्रद्धा का मामला चल रहा है, इसके पहले मैनपुरी में हमारे ही समाज के 5 लोगों को वहाँ जिंदा जला दिया गया था, जौनपुर ज़िले में 12-13 मामले हो गए, और आज यहाँ आजमगढ़ में भी थोड़े दिन पहले एक मामला और हुआ था यहाँ रामचंद्र जी का। अरे भाई हम लोग कुम्हार प्रजापति समाज के लोग यहाँ बहुत सारे आए हैं, जो दबी कुचली जातियाँ हैं सरकार उनके प्रति भी संवेदनशील बने। हम कह रहे हैं कम से कम 50 लाख रुपए, कुछ भी नहीं है, 50 लाख रुपए इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी दें और रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराएं।
ये आराधना प्रजापति की घटना के बारे में जिस तरह से महिला लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, क्या नाम है आपका? गीतागिरी नाम है। जो पंच भाग में काटा है बताए कितना उसको पीड़ा हुआ होगा। अब बड़ी बात है कि हमें चाहते हैं कि जो राक्षस आज के धरती पैदा हैं उनका सबका नाश हो इस तरह कि किसी के मजाल न पड़े किसी के ऊपर नंगा डालने के लिए। हाँ। तो क्या चाहती है सरकार से? सरकार से यही चाहे उस लड़की को ना मिलना चाहिए। हाँ, उसको मौत मिली तो उसको फांसी सजा होना चाहिए और क्या होगा। चलिए, आपने सुना यहाँ की कहानी आराधना की। आराधना प्रजापति एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, किसी लड़के से यानी प्रिंस नाम के लड़के से प्रेम होता है, फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती है और इस कदर बढ़ जाती है कि फिर उनकी किसी तरह से शादी हो जाती है आराधना प्रजापति के, फिर किसी तरह मिलन हुआ होता है। इसके बाद होती है कहानी इस प्रकार से कि लोग कहीं ना कहीं उस लड़की को काट दिया जाता है। लोग बता रहे हैं कि प्रिंस ने ऐसी घटना की है, ऐसा अंजाम दिया है। ये इसहाकपुर है, अरौला थाना का मैटर है। जिस दिन से वो कुएं में लाश मिली है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति के कहने से भागीदारी पार्टी की पूरी टीम इस परिवार के साथ खड़ी है। पिताजी हैं, देख लीजिए, पिताजी आइए, पिताजी साथ में थे। मैं उसी दिन से, जिस दिन से पहचान हुई कि आराधना प्रजापति है, उसी दिन परिवार के साथ मैं रोज डेली जाता हूँ। मैं कहता हूँ आपके साथ पूरा प्रजापति समाज, पूरी भागीदारी पार्टी सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और ये जरूरत पड़ी तो हम लोग पूरे प्रदेश में, जिस तरह आज धरना इस जिला मुख्यालय पे आजमगढ़ दिए हैं, पूरे प्रदेश में धरना देंगे। और धरना के माध्यम से अगर निर्भया को न्याय मिल सकता है, अगर हाथरस की बेटी को न्याय मिल सकता है, तो आराधना प्रजापति को क्यों नहीं मिल सकता है? जरूर मिलेगा। और हम भी चाहेंगे कि सरकार सुने इस मामले में, क्योंकि आजमगढ़ की जो सांसद है उन्होंने कहा है कि हम आजमगढ़ के प्रत्येक घटनाओं को बारीकी से समझेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो श्रद्धा जैसे मामला को लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उसको जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, तो कम से कम आराधना प्रजापति के ऊपर भी जो घटना घटी है कहीं ना कहीं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों का मांग है कि ऐसे लोगों को फांसी सजा होना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि प्यार करना अपराध नहीं था, लेकिन अब अपराध हो गया है, तो कोशिश करें इन सब चीज़ों से बच कर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।